रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव गांव के ही एक युवक के घर में मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस व फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य संकलित कर शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक शिवगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत मंगलवार की शाम भौसी गाँव निवासी सोनू पुत्र सुमिरन उम्र लगभग 28 वर्ष का शव संदिग्ध परिस्थितियों में गाँव के ही अमर सिंह पुत्र स्वर्गीय संतलाल के घर के अंदर कपड़े में पड़ा मिला। वहीं मृतक के साडू रामस्वरूप निवासी भौसी के मुताबिक मृतक सोनू और अमर सिंह दोनों नशे के आदि थे, दोनों साथ में रहते थे। दोनों के बीच क्या हुआ कुछ कह नहीं सकते। हमें हमारी साली कुसुम प्यारी के द्वारा सूचना मिली कि अमर सिंह के घर पर सोनू की लाश मिली है। सोनू की लाश अमर सिंह के घर पे मिली है। सोनू कौन है आपके? समाज साढ़ो। पुलिस को सूचना दी थी? हाँ दी थी। आपको जानकारी कितने समय हुई थी? हमको जानकारी 3 बजे हुई। किसने आपको जानकारी दी थी? हमारी लड़की ने बड़ी जानकारी दी। पुलिस आई तो क्या हुआ? पुलिस आई तो वही जांच पड़ताल किया, लिखा पढ़ी हो किया, कुछ नहीं किया। थाने में तहरीर दी? थाने में तहरीर वही उसको किया था, फोन किया था बस। दिनांक 31/10/2023 को शाम 4:30 पर थाना सिवगढ़ पर सूचना प्राप्त हुई कि सोनू लोध पुत्र राम सुमरन उम्र करीब 26 वर्ष निवासी ग्राम भौसी थाना सिवगढ़ का शव गांव के ही अमर सिंह गौतम के मकान में खाली पड़े कमरे से बरामद हुआ है। मेरे द्वारा फॉरेंसिक टीम एवं थाना प्रभारी सिवगढ़ के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। प्रथम दृष्टया जांच से यह बात प्रकाश में आई है कि मृतक सोनू नशे का आदि था एवं उसका दोस्त अमर सिंह भी नशे का आदि है। कमरे से नशे की दवाइयां एवं इंजेक्शन बरामद हुए हैं। जांच एवं आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर कानून एवं शांत व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।